ये तस्वीरें हैं यूपी पुलिस के खौफ की और इसी का नतीजा है कि हत्या का ये आरोपी खुद चलकर थाने पहुंचा और फिर पुलिस के आगे हाथ जोड़कर खुद को उनके सुपर्द करने को तैयार हो गया। साहब, मैं जल्ले के मर्डर में भागी। उनमें एसपी से डर गया था, मैं भाग गया था। ये मैं पेश होने आया हूँ, मेरी एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे गोली ना मार दे। क्या नाम तेरा? मुनसार है जी। मुनसार कौन सा गांव? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरह से ताबड़तोड़ बदमाशों के एनकाउंटर में लगी है, उससे बदमाशों में पुलिस का खौफ साफ नजर आने लगा है। बदमाशों का ऐसा बुरा हाल है कि एनकाउंटर के डर से वो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहते और जो जेल से बाहर हैं, वो खुद ही जेल में एंट्री चाहते हैं। वहाँ भाग गया था बजी ने काम पे भाग गया था मजदूरी पे। ओके सर, कौन लेके आया तुझे? जी मैं खुद ही आया हूँ पेश होने। और इसी की बानगी शामली जिले में देखने को मिली, जहां एक हत्या का आरोपी खुद थाने पहुंचा। यहां उसने थाना अध्यक्ष से गोली नहीं मारने और खुद को जेल में बंद करने की गुहार लगाई। क्या नाम तेरा? मुनसार है जी। मुनसार कौन सा गांव? ख्वाजपुर है जी। ख्वाजपुरा जी। तू ही है जी? कहाँ भाग गया था? बस जी ने काम पे भाग गया था मजदूरी पे। ओके सर, कौन लेके आया तुझे? जी मैं खुद ही आया हूँ पेश होने। जब पकड़ा से यार आरोपी की बात सुनकर थाना अध्यक्ष संदीप ने उसे तत्काल कस्टडी में लिया और जेल में डाल दिया। बता दें कि बीती 21 जनवरी को गांव ख्वाजपुर में जाला उर्फ तैयब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 6 आरोपी पहले ही एसपी शामली अजय पाल के खौफ से कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। वहीं एसएचओ संदीप बालियान ने कहा कि अपराध के खिलाफ शामली पुलिस का अभियान अभी जारी रहेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, शामली।